बस ये वो सवाल हैं जो चैप्टर 8 के अलग से आए हुए थे, जो दो मैंने एग्जांपल्स करवाई है ना, ये दो ही एग्जांपल हैं जो आपको पास्ट 11 इयर्स में मिलेंगी, जो बुक के क्वेश्चन से हटके आएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे बुक के क्वेश्चंस हैं, वही एक्सरसाइज से रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, कोई हटके कोई अलग से नहीं आता। एग्जाम्पल नंबर 7 वैसे तो नहायत ही फजूल है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ बुक वालों ने किया हुआ क्या है। बाकी सॉल्यूशन तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन बस मैं समझा देता हूँ कि हुआ क्या है। प्रैक्टिस करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, चाहो तो कर लेना, टाइम है, लेकिन अगर टाइम ना हो तो छोड़ दो, बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं बनती इसकी, और काइंड ऑफ बहुत ही मतलब प्रूव और फालतू सी है चीज़ है। इसके अलावा बाकी इतनी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। बहरहाल लिखा हुआ है कि शो दैट द मिडिल टर्म, एक एक्सपेंशन आपको गिवन है, ये कहीं नहीं आई हुई, बस एग्जाम्पल नंबर 7 है पेज नंबर 280 के ऊपर। तो आपको एक्सपेंशन गिवन है 1 + x^2n, और आपसे लिखा हुआ है कि प्रूव करो इसकी मिडिल टर्म ये वाली है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए बुक वालों ने प्रॉपर सॉल्यूशन किया हुआ है इसका, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मिडिल टर्म होती है एनसीआर, एन यहाँ पे बेसिकली क्या है 2n के बराबर है, तो 2NCR ए होता है ना, ए यहाँ पे 1 है तो इग्नोर कर दो, बी यहाँ पे x है x^r। अब मिडिल टर्म आपको निकालनी थी ना 2n, एक इवन नंबर, मैंने आपको बताया था कि जब पावर मतलब यहाँ पे कोई इवन पावर है तो एक मिडिल टर्म आती है, अगर यहाँ पे कोई ऑड पावर होती तो दो मिडिल टर्म आती। तो यहाँ पे इवन है, 2n एक इवन होता है, आप n की वैल्यू 1 पुट करो 2 आएगा, 2 पुट करो 4 आएगा, 3 पुट करो 6 आएगा, तो 2n एक इवन को शो करता है। तो उसका मतलब एक ही मिडिल टर्म होगी, कैसे आएगी, आप इसके अंदर 2 ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, इस तरीके से हम मिडिल टर्म निकालते हैं। तो ऊपर से 2 कॉमन लो, n प्लस 1 बचेगा, तो इसका मतलब n प्लस 1 वाली जो है ना वो मिडिल टर्म है। अब n प्लस 1 टर्म किस तरह निकालोगे, आप r की जगह जस्ट n पुट कर दो, आप r की जगह n पुट करोगे ये n प्लस 1 हो जाएगा। n प्लस 1 टर्म का मतलब ये होता है कि जिसके नीचे t के नीचे n प्लस 1 आ रहा, तो ये कैसे आएगा, आप r की जगह n पुट कर दो तो आपके पास n प्लस 1 टर्म आ जाएगी। तो पूरे फॉर्मूले में आपने r की जगह पुट कर दिया n, तो ये सिचुएशन बन रही होगी। अब 2NCN को उन्होंने एक्सपेंड किया हुआ बुक में भी इस तरीके से कि इस पे बाकायदा वो जो फॉर्मूला होता है ना कॉम्बिनेशन का वो लगा दी, 2n फैक्टोरियल, फिर ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n - n फैक्टोरियल, जो के बराबर होता है 2n - n n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो कॉम्बिनेशन का, क्या करते थे हम, ऊपर जो चीज़ लिखी हुई है उसका फैक्टोरियल, नीचे जो चीज़ लिखी हुई है उसका फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 2n - n का फैक्टोरियल, वो n - r फैक्टोरियल जो होता था, ये करके आपने सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे x^n आ गई। अब फालतू का आपको प्रूफ करना है एक, जो उन्होंने बुक में लिखी हुई मिडिल टर्म उसको प्रूफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और ज़रा कोशिश जो है वो मैं बता देता हूँ कि बुक ने जो स्टेप किए हैं उनकी सेंस क्या बन रही है। बुक वालों ने सबसे पहले देखो 2n को आप इस तरह लिख सकते हो ना, 2n मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि इस ऑर्डर में हम लिखेंगे नहीं, 2n फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2n - 1 2n - 2, अब 2 कहाँ तक जाते हो आप 3 2 1, मतलब फैक्टोरियल को आप एक्सपेंड करते रहते हो बिल्कुल एंड तक जाते हो, एंड मतलब 1 तक जाते हो आप। इसी को उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, 2n फैक्टोरियल की जगह रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, मतलब 1 2 3 अप टू, आपने कहाँ तक जाना है, बुक वालों ने जस्ट 2n लिखा हुआ है यहाँ पे, मर्जी आप 2n लिख दो, या इससे पहले आप 2n - 1 ये वाली दो टर्म भी लिख सकते हो, लेकिन बुक वाले 2n तक लिखा हुआ है, यहीं तक लिखो, या 2n - 1 कर देते हैं, 2n - 1 फिर आएगी 2n की टर्म। तो इस तरीके से आपने उस पूरी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, इस n - 2 को छोड़ दो, काम का नहीं है आपका, लिख तो आप कुछ भी सकते हो, 2n - 3 भी लिख सकते हो, लेकिन काम का नहीं होगा आपको। तो रिवर्स ऑर्डर में इन्होंने इस तरीके से लिख दिया। नीचे ये जो n फैक्टोरियल है, इस n फैक्टोरियल को किस तरह आप लिख सकते हो, n - 1 n - 2 अप टू कहाँ तक जाओगे आप, 3 2 1 तक जाओगे, इसी चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाना है आपने, n तक जाना है। n फैक्टोरियल को इस तरह लिखोगे ना आप, n (n-1) (n-2) अप टू 3 2 1, तो उन्होंने 1 2 3 लिखा और दरमियान की दो तीन चीज़ें स्किप कर दी हैं और डायरेक्ट उन्होंने n लिख दिया, क्योंकि जनरलाइज बात है इसलिए स्किप कर दोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, अगर यहाँ पे 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होता वहाँ पे स्किप करते तो नुकसान हो जाता, और दूसरा n फैक्टोरियल जो है उसको अभी अपनी जगह पर रहने दिया। देखते रहना फालतू की चीज़ें क्या क्या हुई हैं इसके अंदर।
अच्छा उसके बाद अब क्या किया उन्होंने कि यार इसमें इवन और ऑड को उन्होंने अलग कर लिया। जैसे वन जो है वो ऑड है तो वन लिखो, फिर आप थ्री लिखो, फिर आप फाइव लिखो, मतलब जो इवन वाली है ना टू फोर, क्योंकि ये पैटर्न चलता जा रहा है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करते करते टू एन तक जा रहा है। अब टू एन आपको नहीं पता क्या चीज़ है, अगर एन अगर टेन होगा तो टू एन ट्वेंटी होगा, तो अब टू आपने ट्वेंटी तक जाना है। तो जनरलाइज बात की गई है तो इसमें इवन ऑड दोनों होंगे वन टू थ्री फोर फाइव, तो उन्होंने ऑड अलग कर लिए वन थ्री फाइव, और जो ऑड टर्म्स होती हैं ना उनकी जनरल फॉर्म होती है टू एन माइनस वन, क्योंकि टू एन एक इवन नंबर होता है, इवन में से अगर आप वन निकालोगे तो वो ऑड बन जाता है। जो इवन नंबर्स होते हैं उसको जनरलाइज फॉर्म में आप लिख सकते हो 2n, और जो ऑड नंबर है उसको आप 2n प्लस 1 भी लिख सकते हो, 2n माइनस 1 भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2n प्लस 1 मौजूद नहीं है ना, तो आखिरी ऑड नंबर क्या होगा 2n माइनस 1, इसके बाद जो नंबर होगा वो इवन होगा, तो आखिरी ऑड नंबर यहाँ पे क्या है 2n माइनस 1 है, तो 1 3 5 करते करते आखिरी ऑड नंबर 2n माइनस 1 हो जाएगा। इसी तरह आप इवन नंबर्स भी लिख दो, इवन नंबर क्या होंगे 2, 4, 6, अब 2 आखिरी इवन नंबर क्या है 2n, तो ये ऊपर हरकत चल रही है, मतलब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे थे उन्होंने अलग कर दिया, ये सब डॉट 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 करके मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, तो उन्होंने अलग किया है, नीचे कुछ मेरे ख्याल में नहीं किया हुआ ना, हाँ नीचे यही है 1, 2, 3 अप टू n तक जाना है और फिर n फैक्टोरियल है। अभी जो बाद में चीज़ लिखी हुई है ना उससे एक हरकत कर रहे हैं, वो हरकत क्या है, टू एन माइनस वन, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है कि आप अगर देखो तो ये जितने भी टर्म्स आ रही हैं ना ये वाली, इन सब में टू आ रहा होगा, मतलब ये टू के मल्टीपल्स हैं, टू टू को टू से मल्टीप्लाई करो फोर, इसको टू से मल्टीप्लाई करो सिक्स, तो अगर आप इनमें कुछ कॉमन लेना चाहो तो हर टर्म में टू आ रहा होगा। जैसे आप अगर इसमें से टू कॉमन लोगे तो आपके पास वन बचेगा, मतलब इसको आप इस तरह लिख सकते हो ना 2 मल्टीप्लाई 1, 4 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2, 6 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 3, इसके बाद 8 आएगा उसको लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 8, अब 2 एंड पे क्या लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 4। तो अगर आप पैटर्न देखो 1, 2, 3, 4 अप टू एन तक आप जा रहे हो, और इनके साथ सब मल्टीप्लाई क्या हो रहा है 2 हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 2, 2 सबके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस टर्म में भी 2 आ रहा है, इस टर्म में भी 2 आ रहा है, तो अगर आप मल्टीप्लाई करो इस वाले 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करो 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो 2 का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 4, अब तो अगर आप nth टर्म जाओगे तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा, मतलब जितने भी 2 है ना इनको अभी आपने मल्टीप्लाई करना है, तो इन 2 को मल्टीप्लाई करोगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस 2 के स्क्वायर को इस वाले 2 से करोगे 2 का क्यूब हो जाएगा, और फिर इस 2 क्यूब को इस वाले 2 से करोगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, और ये काम आपने अप टू एन टर्म तक करना है। तो देखो शुरू की 2 टर्म में स्क्वायर आ रहा है, 3 टर्म में क्यूब आ रहा है, 4 टर्म में 4 आ रहा है, तो एन टर्म में क्या आ जाएगा 2 की पावर एन आ जाएगी। तो उन्होंने क्या लिखा 2 की पावर एन अलग कर दी, पीछे क्या बचा 1, 2, 3, 4 अप टू एन बच गया, तो 1, 2, 3, 4 अप टू एन बच गया, ठीक है। अब ये वाली पूरी चीज 1, 2, 3, n, 1, 2, 3, n ये कैंसिल करना था उन्होंने, बाकी पीछे जो भी बचा है वो आपको सवाल में प्रूफ करना था। अगर आप सवाल में देखो ऊपर एग्जैक्ट ये वाली चीज लिखी हुई है, अच्छा इन सबके साथ ये वाली चीज आ रही होगी x की पावर n, असल में मेरा फोकस इन पे था, नीचे n फैक्टोरियल आ रहा है, ऊपर ये चीज आ रही है और x की पावर n साथ होगी, यही चीज आपको प्रूफ करनी थी। तो तैयारी करने की जरूरत नहीं, मैंने समझा इसलिए दिया है कि जो बंदे करना चाह रहे हैं इसको तो वो देख लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है कॉन्सेप्ट, मैंने समझा दिया आपको, वैसे जरूरत नहीं है। एग्जांपल नंबर 8 में आओगे लिखा हुआ शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, एक एक्सपेंशन गिवन है, बिल्कुल यही गिवन है 1 + x^2n इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ 2 मिडिल टर्म ऑफ, एक एक्सपेंशन गिवन है 1 + x^2n - 1। सबसे पहले तो इसकी मिडिल टर्म निकालो, 2 मिडिल टर्म आएंगी क्योंकि ये एक ऑड नंबर है 2n - 1, तो 2 आएंगी यहाँ पे, कैसे निकालोगे 2? 2 मिडिल टर्म निकालने का तरीका होता है जो पावर है उसमें 1 ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 करो, और फिर जो भी पावर है उसके अंदर 3 ऐड करो डिवाइडेड बाय 2 करो, तो ये 2 मिडिल टर्म इस तरह आती है। तो ये हो जाएगा 2n / 2, मतलब ये n के बराबर हो जाएगा,
और ये हो जाएगा 2n plus 2 upon 2, मतलब ये n plus 1 के बराबर हो जाएगा। तो एक nth टर्म मिडिल टर्म है इसकी, एक n plus 1 जो है वो इसकी मिडिल टर्म है। तो ये दोनों आप इसकी निकाल लेना, बहुत ही इजी तरीका है, बुक वालों ने आपको निकाल के भी दिखाई हुई है। कोफिशेंट ऑफ nth टर्म, मतलब एक मिडिल टर्म जो है उसका कोफिशेंट पूरा निकाला हुआ है ये जनरल टर्म फॉर्मूले से। इसमें a तो 1 है, इग्नोर कर देना। x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, पावर मतलब r हो जाएगी, और r इसमें क्या होगा, n माइनस 1 होगा। तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगी, दैट्स इट। आपके पास ये वाली चीज़ आ रही होगी, 2n माइनस 1 सी आर आ रहा होगा। अच्छा, बात कोफिशेंट की गई है तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर दोगे, क्योंकि उन्होंने बोला ना सम ऑफ कोफिशेंट, तो आप वेरिएबल वाले टर्म को इग्नोर कर दोगे, आप कोफिशेंट देखोगे। तो जो nth टर्म है उसको जरा हम निकालते हैं। तो आपने क्या किया यहाँ पे, इस एक्सपेंशन में पावर क्या थी, 2n माइनस 1, वो मैंने c के ऊपर लिख दी, नीचे r है। अब अगर आप nth टर्म की बात करोगे तो r की वैल्यू आपको क्या पुट करनी पड़ेगी, जनरल टर्म में आता है tr आर प्लस 1। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए, n चाहिए, क्योंकि nth टर्म आपको निकालनी है ना। तो अब r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना n माइनस 1। जब r में आप n माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो जाएगा, आपके पास जस्ट nth टर्म आ जाएगी। तो r की जगह आप पुट कर देना यहाँ पे n माइनस 1। और ये टर्म निकालने के लिए तो बहुत इजी तरीका है, आप r की जगह n पुट कर देना, तो कोफिशेंट क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 c की पावर n। ये दोनों ने लिखे हुए, फिर उन्हें सम किया हुआ है और रूल वही लगाया हुआ है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था पास्कल रूल, NCR माइनस 1, तो ये बराबर होता था n प्लस 1 सी आर। मतलब ऊपर दोनों की पावर सेम होती है तो आप 1 ऐड कर दो, नीचे एक बड़ा होता है एक छोटा होता है इससे, तो जो बड़ा वाला है वो आप यहाँ पे लिख दो। सेम उस कॉन्सेप्ट से देखोगे तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। तो ये एग्जैक्ट मिडिल टर्म हो जाएगी इस वाली टर्म की। अगर आपको याद हो इस वाली टर्म की मिडिल टर्म क्या थी, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट ये था। तो ये प्रूव हो जाएगा जो पहली आपके पास एक्सपेंशन लिखी हुई है उसकी जो मिडिल टर्म है वो बराबर है इस वाली एक्सपेंशन की जो दो मिडिल टर्म है उनके सम से। तो इस तरह आप एग्जाम्पल को ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 9, तो यार वही है जो आपने क्वेश्चन नंबर पढ़ा था 9, बिल्कुल एग्जैक्ट वही सवाल है, डज द एक्सपेंशन कंटेन अ टर्म, एग्जैक्ट वही सवाल है, वही काम करना है, बस एक्सपेंशन में फ़र्क है। इसमें तो एक्सपेंशन खैर काफ़ी इजी दी हुई है, तो मैंने 8.1 आपको क्लास में करवाई थी, वहाँ पे आप लोग देख लेना। तो जो 8 चैप्टर है ना उसके बाद तो एक्सरसाइज कैंसिल होगी, मैंने डिटेल में आपको बता दी है, आप एक्सरसाइज कर लो, आपका सवाल निकल जाएगा, इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 9 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अब 9 चैप्टर में यार दो ही क्वेश्चन है जो आपको पास पेपर में मिलेंगे, जो कि एग्जैक्ट बुक के क्वेश्चन हैं, लेकिन बस फ़र्क ये है कि उसमें वैल्यूज़ चेंज की हुई हैं। तो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ उसमें भी कि क्या चेंजिंग होगी इसके अंदर। बाकी आप 9.1 के जो तीन क्वेश्चन है ना, आई गेस 8, 9, 10 हैं, मैं ज़रा बता देता हूँ, 8, 9, 10 जो है उनको ज़रा जाके देख लेना प्रॉपर, मैंने स्टेप्स के साथ एक एक चीज़ बताई हुई है, आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ये सवाल आया था 2013 के पेपर में और इसका नंबर था 3 का पार्ट नंबर 4, और ये बुक का क्वेश्चन था, बुक का क्वेश्चन नंबर आई गेस 10 जो है, हाँ उस जैसा है ये, बस हल्की सी इसकी वैल्यूज़ में फ़र्क है, तो मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ एक बेल्ट है यार 24.75 मीटर का, उसका डायमीटर थोड़ा चेंज है, तो गिवन आपको क्या है कि उसका डायमीटर जो है 3.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर से आप रेडियस निकालो, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, 3.5 का हाफ हो जाएगा 1.75, तो रेडियस हो जाएगा 1.75 सेंटीमीटर। एक चीज़ तो आपके पास आ गई है। अब लिखा हुआ था कि बेल्ट ने तीन कंप्लीट रेवोल्यूशन की हैं, तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ बेल्ट क्या है, लेंथ ऑफ बेल्ट है 24.75 मीटर्स, ठीक है। एज द बेल्ट मेक्स थ्री कंप्लीट रेवोल्यूशन सो एस इन एस इन, ये समझ लो आप तीन रेवोल्यूशन में आपका एस कितना होगा, मतलब आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि भाई तीन कंप्लीट रेवोल्यूशन की है ना उसने एक मिनट के अंदर, ये मेंशन किया उन्होंने कि तीन रेवोल्यूशन की एक मिनट के अंदर,
तो एक मिनट के अंदर एस इन वन मिनट क्या होगा? देखो टोटल उसकी लेंथ है 24.75 मीटर, अगर वो एक मिनट के अंदर तीन कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है तो उसका मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जो उसकी लेंथ है उसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब एक मिनट के अंदर उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। बुक में था 2 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करते थे 2 से। उसके बाद एस इन 60 सेकेंड, एक ही बात है, 1 मिनट लिखो या 60 सेकेंड लिखो, यहां पर मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। असल चेंज यहां पर होगा कि 24.75 मीटर को मैं 3 से तो मल्टीप्लाई किया था, लेकिन अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स के अंदर, क्योंकि रेडियस जो है वो सेंटीमीटर के अंदर है। तो जो इसका मैंने अभी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, अब आपका एस कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर के अंदर। अब जो आपको रिक्वायर्ड थीटा निकालना है ना, वो 1 सेकेंड के अंदर निकालना है, तो आप इसको 1 सेकेंड में कन्वर्ट करो। आप पूरी इक्वेशन को 60 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ को 60 से डिवाइड करोगे तो 1 सेकेंड आ जाएगा, और यहाँ पे 60 से डिवाइड करो तो नीचे 60 आ जाएगा। तो इस पूरी चीज़ को आपने कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ आपको निकालना क्या था, आपको थीटा निकालना था, एस बराबर होता है आर थीटा के, थीटा बराबर हो जाएगा एस अपॉन आर के। जो भी एस यहाँ से आया होगा वो यहाँ पर पुट कर देना। रेडियस क्या था, 1.75 सेंटीमीटर्स, थीटा आपके पास आ जाएगा, और यूनिट क्या होगा थीटा का, रेडियंस होगा। तो बाकी काम आपने कैलकुलेटर से करना है, पुट करना, सॉल्व करना, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो नोट करना चाहो तो कर लो इसको नोट। और इसी तरह एक सवाल आया हुआ है इसका पास पेपर में, ये तो 2013 का था ना, एक सवाल आया हुआ 2017 में, 2017 का क्वेश्चन नंबर 4 था, उसका पार्ट नंबर 1 जो है वो है बुक का क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, एग्जैक्ट वही है, वो उसमें वैल्यूज चेंज की में बाकी वही कॉन्सेप्ट है। वो जो एक बॉय है जो बाईसाइकिल के ऊपर है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है एक बॉय है वो बाईसाइकिल पर है, 15 रेवोल्यूशन की है। तो गिवन आपको सबसे पहले डायमीटर है, डायमीटर है भाई 50 सेंटीमीटर, ये वैल्यू चेंज है यहाँ पे। रेडियस क्या होता है डायमीटर का, हाफ 50/2, मतलब रेडियस यहाँ पे आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना है, हाउ फार, मतलब एस निकालना है आपको। थीटा क्या होगा, आपको पता है सिंस थीटा इन 1 रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन के अंदर थीटा क्या होता है, 2π रेडियंस होता है एक रेवोल्यूशन के अंदर। यहां पे उसके टायर ने 15 रेवोल्यूशन की है, व्हील कह लो या टायर कह लो, तो 15 रेवोल्यूशन में क्या होगा, 1 रेवोल्यूशन में अगर इतना होता है तो 15 रेवोल्यूशन में आप क्या करोगे, 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 रेडियंस, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 30π रेडियंस। अब थीटा आ गया, आर आ गया, आपको निकालना है। वी नो दैट, क्या पता है हमें कि एस बराबर होता है आर थीटा के, बल्कि यहीं पे वैल्यूज पुट कर दो, आर है 25, थीटा है 30π। इसका जो भी आंसर होगा उसका यूनिट जो है वो सेंटीमीटर्स में होगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में, तो एस जो है वो भी क्या होगा, सेंटीमीटर्स के अंदर होगा। तो चैप्टर 9 के यही वो सवाल हैं जो बुक से हटके आए हैं, बाकी ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो बुक से हटके आया हुआ, ये भी बुक के क्वेश्चन है, बस वैल्यू इतना तो आप लोगों को आना चाहिए। अब मैंने करवा दिए, अब आपके बारे में भी अगर वैल्यू चेंज होगी तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या क्या चेंजिंग आपने करनी है। तो चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 10 का यार एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, 2 क्वेश्चन हैं, काइंड ऑफ बुक के हैं और थोड़ी सी वैल्यू चेंज है। ये मैं करवा रहा हूँ 2010 के पेपर में आया था, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 था, और उसके अंदर 3 पार्ट आए हुए थे, उनमें से एक और पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 सवाल होंगे, उसमें से जो तीसरा पार्ट है ना वो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे। पहले ये कर लेते हैं फिर दूसरा देखते हैं। और पार्ट क्या था कि आपको प्रूफ करना था कि टेंजेंट थीटा अपॉन 2 बराबर है 1 - cos θ डिवाइड बाय sin θ। ये जो चैप्टर नंबर 10 में हाफ एंगल फॉर्मूले पढ़े थे ना, तो बुक वालों ने ये प्रूफ किया हुआ है वहाँ पे,
लेकिन मैं अलग से आपको बता दूं, और इसके अगर कुछ और आ जाए तो आपको पता चल जाए किस तरीके से आप प्रूफ करोगे। यहाँ पे आप करना ये कि आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लो। प्रूफ के लिए आप क्या करते हो, एक साइड को पिक करते हो, लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर लो। टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा अपॉन टू। आपको पता है साइन थीटा अपॉन टू, इसका हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, रूट वन माइनस कॉस थीटा अपॉन टू, प्लस माइनस भी होता है लेकिन दो तो बेहतर है। और जो कॉस थीटा अपॉन टू है इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट वन प्लस कॉस थीटा अपॉन टू। साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले में नेगेटिव आता है, कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूले में पॉजिटिव आता है। तो प्लस माइनस को हटा दो यहां से, ये रूट टू जो है इस वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ऊपर बचेगा वन माइनस कॉस थीटा, चाहो तो एक रूट में लिखो या नेक्स्ट स्टेप में लिख देना एक रूट में। ये जो ऊपर यहां पे रूट टू था ना, वो इस वाले रूट टू से कैंसिल हो गया, तो यहां पे ऊपर बचा रूट वन माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा रूट वन प्लस कॉस थीटा। तो इसको नेक्स्ट स्टेप में एक साथ लिख दो तो ज्यादा बेहतर है, आपको आसानी हो जाएगी उसके बाद जो हम करने लगे हैं। अब अगर आप रिक्वायर्ड देखो, उसमें डिनोमिनेटर में एक टर्म आ रही है, डिनोमिनेटर में एक टर्म उस वक्त आएगी जब आप इसको एक टर्म में कन्वर्ट करोगे। अब एक टर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो या तो आप न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट लेते हो या डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेते हो। यहां पे आपको डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। जिस डिनोमिनेटर का अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो एक टर्म आएगी, मतलब अगर वो इसको इस तरह दे दें कि आप प्रूफ करो साइन थीटा बराबर है वन साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूफ करना। तो अब आप देखोगे न्यूमरेटर में एक टर्म है, तो अब आप क्या करोगे, न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। तो अगर डिनोमिनेटर में एक टर्म चाहिए तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, और न्यूमरेटर में चाहिए होगी तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना। ठीक है, तो यहीं पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा, तो आप इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। अब ऊपर वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, ये बिल्कुल वही फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वन का स्क्वायर वन, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दो। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो भाई ऊपर इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो गया, नीचे जो इसके ऊपर रूट था इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, पर दोनों के ऊपर अलग अलग रूट था ना, तो दोनों के स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो ऊपर बचा भाई वन माइनस कॉस थीटा, नीचे बचा साइन थीटा, जो के बराबर है राइट हैंड साइड के, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, दैट्स इट। चैप्टर नंबर 10 का यही सवाल आया हुआ था, सेकेंड सही। अब ये तो बाय द वे खैर 10.2 का आप कह लो इसको, क्योंकि 10.2 से पहले ये कॉन्सेप्ट थे सारे। अब एक इसी में आया हुआ सवाल, मतलब आया हुआ क्वेश्चन नंबर इसी पेपर में, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, और करके एक और सवाल आया हुआ है, जरा मैं उसको सॉल्व करवाता हूँ। पहले इसको नोट कर लो, तो यही पेपर है 2010 का, 2010 में क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 नहीं करवा रहा, वो तो ग्राफ का है, उसमें और के साथ एक क्वेश्चन आया है। तो वो और के साथ जो क्वेश्चन आया वो लिखा हुआ है कि शो दैट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, आपको प्रूफ करना है कि पॉइंट्स वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। ये बाय द वे सेकंड ईयर में तो बच्चों वाला क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन इतना आपने नहीं देखा होगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। तो किस तरीके से करोगे, आप पहले देखो, आप लेट कर लो जो गिवन आपको वर्टिसेस गिवन है, लेट कर लो ए 2.1, बी 5.1, सी 2.6 बी द गिवन वर्टिसेस।
ये आपको वर्टिसेस गिवन है और सवाल में आपको प्रूव ये करना है कि वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्राइंगल के। तो यहां पे आप यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तभी मैं इसको 10.1 कह रहा हूं क्योंकि 10.1 से पहले आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था और डिस्टेंस फॉर्मूला की एक दो एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई थी उन्होंने बुक में, लेकिन अच्छा वो एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जो डिस्टेंस फॉर्मूला की पहली एग्जाम्पल है वो तो काफ़ी ईजी है, दूसरी एग्जाम्पल मैंने बाकायदा आप लोगों को करवाई थी जब मैंने फंडामेंटल जब मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला प्रूव करवाया था ना, आप लोग देख सकते हो चैप्टर 10 की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे मैंने अलग से वो सवाल करवाया भी था, वो आपको मिल भी जाएगा। हाँ पेज नंबर 313 पे है एग्जाम्पल नंबर 2, तो वो मैंने करवाई भी, आप लोग जाके देख सकते हो। भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले a और b के दरमियान, तो 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 5 होता है माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा और रूट 9 क्या होता है 3 के बराबर होता है। फिर आप निकालो BC के दरमियान डिस्टेंस, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये होगा भाई 3, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है 9 और माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 प्लस 9 क्या होता है 34 के बराबर, तो रूट 34 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। फिर आप निकालो ए सी के दरमियान डिस्टेंस, ए और सी, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएगा, 1 माइनस 6 होता है माइनस 5, माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का रूट क्या होता है 5 यूनिट के बराबर होता है। अब आप यहां पे लिखोगे सिंस, इसमें बड़ी साइड कौन सी, ये वाली बड़ी साइड है, तो इसको आप कंसीडर करो, आप इस वाली साइड का स्क्वायर लो क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम हमें प्रूफ करना है, ये वाली साइड का नाम क्या है बीसी, आप बीसी साइड का स्क्वायर देख लेना आ रहा होगा एबी साइड के स्क्वायर प्लस एसी साइड के स्क्वायर के बराबर। देखो राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना होता है, कैसे प्रूफ करोगे, आपने सबसे पहले देखना है जब तीनों साइड की लेंथ आ जाए, ये बेसिकली एक ट्राइंगल बन रहा है ना ए बी सी, तो आपने तीनों साइड की लेंथ निकाल ली, राइट एंगल ट्राइंगल है बाय द वे, ये तो राइट बना देते हैं इसको, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है वो बी सी के ऊपर है, तो नाम भी वैसे दे देते हैं ए बी सी। तो होता ये कि आप ट्राइंगल बने बगैर कैसे डिसाइड करोगे, क्योंकि जब तक आप इस फिगर को ड्रॉ नहीं करोगे ग्राफ पेपर पे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाइपोटेन्यूज कौन सा है। लेकिन वैसे कैसे पता चलेगा, जो लॉन्गेस्ट साइड है इन सब में दिखने में लग रही है जो सबसे बड़ी साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, तो बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होना चाहिए बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के। तो बड़ी साइड का मैंने यहाँ पे स्क्वायर कर लिया और जो बाकी दो साइड हैं उनको किसी भी ऑर्डर में आप उनके स्क्वायर को ऐड कर दो। अगर ये चीज़ प्रूव हो रही है तो ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये उनको दिखा भी दो। मुझे तो दिखने में लग रहा है कि प्रूफ हो रही है, लेकिन आप स्टेप करके भी दिखाओ। जैसे यहाँ पे BC की लेंथ क्या आई थी, रूट 34 का स्क्वायर करो, AB आया था 3, 3 का स्क्वायर करो, AC आया था 5, 5 का स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 34 यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 9 प्लस 25 34 होता है। तो आपको दिखने में लग रहा है कि जो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, इस तरीके से आप प्रूफ करोगे। तो ये दो वाहे सवाल थे जो कि बहुत इजी सवाल हैं, जो आपको पास पेपर में अलग से मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के।